लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने आज तक नहीं देखा आका। मैंने भी इस पर काबू पाना इतना आसान नहीं लगता। ये तीनों भी इसे मार नहीं पाएंगे। कालुषा भी इसे मारना नहीं चाहती जी। हाँ, बल्कि मैं इसे अपना गुलाम बनाना चाहती हूँ। 500 साल में पहली बार कोई मुझे पसंद आया जी। मेरे गुलामों की कतार में सबसे आगे होना चाहिए। हंतक को बुलाओ। जी आका। हा हा हा
है। हुकुम मेरी आका, हंतक हाजिर है। हंतक, मुझे तुम पर नाज है। मुझे पता है कि तुम्हें अपना रूप बदलकर दुश्मनों को मार गिराने की महारत हासिल की है। आज तक तुमने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन आज जो मैं तुम्हें काम सौंपने जा रही हूं वो सचमुच बहुत मुश्किल है। ये समझो कि ये तुम्हारा इम्तिहान है। तब तैयार है मेरी आका, वो किसी से भी निपट सकता है। आप हुक्म कीजिए। ये शख्स जो मेरे गुलामों के साथ लड़ रहा है, मुझे चाहिए जिंदा और सही सलामत। मिल जाएगा मेरी आका। गायब हो गए, यानी आसान नहीं है यहां के रहस्यों को जानना। वो बूढ़ा मुझे रणजीत सिंह कह रहा था, वो कहां गया? वो शायद यहां के रहस्यों को जानता है, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। Thank you.
आखिर ये काबू में आ ही गया। अथ कांतम प्रवक्षामि कुंडली चेतनादिकम् सहस्रनाम सकलम् कुंडलिन्या प्रियं सुखम् अष्टोत्तरं महापुण्यं साक्षात् सिद्धि प्रदायकं तव प्रेम वशेनैव कथयामि श्रुणुष्व तत् विना यजनयोगेन विना ध्यानेन यत्फलं तत्फलं लभते सद्यो विद्याया सुकृपा भवेत् या विद्या भुवनेशानी। नाकामयाब तो नहीं हो रहा? नामुमकिन, हम तक कभी नाकामयाब नहीं हो सकता। नाकामयाब होकर वापस आने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वो ताकतवर है मेरी आका, उसने मुझे झुलसा दिया। जब राग बनना ही तुम्हारी किस्मत में है तो लो। अब तुम्हें अपना गुलाम बनाने की मेरी ख्वाहिश और भी मजबूत हो गई है शक्तिमान। मैं तुम्हें पाकर रहूंगी। हर ख्वाहिश हमेशा पूरी नहीं होती शक्तिमान। इसी नाम से पुकारते हैं दुनिया वाले मुझे। वाकई तुम शक्तिमान हो। मैं कालूषा, किल्विश की दूत। जो काम डॉक्टर जेकॉल अपनी साइंस से नहीं कर पाया उसे मैं अपनी साइंस और मायावी ताकतों को मिलाकर अंजाम दे रही हूं। मैं तमाम देशों की सरकारों को यहां बैठकर अपनी उंगलियों पर नचाती हूं। मेरे एक इशारे पर आतंक फैलता है, युद्ध होते हैं और हमेशा अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है। इसीलिए तुमने काराडूंगा को इतना रहस्यमयी बना रखा है कि कोई तुम तक पहुंच ही ना सके। तुम तो पहुंच गए। तुम दुनिया के वो पहले शख्स हो जो मुझ तक पहुंच पाया, वरना आज से पहले जिसने भी कोशिश की वो मिट गया। तुम वाकई जाबाज हो और कालूषा जाबाज लोगों की कदर करती है। तुम सचमुच मेरी दोस्ती के लायक हो। मुझसे दोस्ती करोगे? सोच लो, मुझसे दोस्ती करोगे तो मेरी भी सारी ताकत तुम्हारे कदमों में होगी। इस दुनिया के राजा बन के रहोगे मेरे साथ, वरना। वरना क्या? वरना कालूषा की दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तुम भी ताकतवर हो और मैं भी ताकतवर हूं। अगर हम अपनी ताकत आपस में जोड़ ले तो हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। क्या कहते हो तुम? फिलहाल तो मैं ये कहता हूं कि वो जेल कैसी होगी जहां तुम्हें लंबी सजा काटनी। सोच लो शक्तिमान,
वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम यकीनन बुरा होता है तुम जैसे समाज के दुश्मनों का। शक्तिमान, आज के बाद नहीं रहेगा कारा डूंगा का रहस्य, नहीं फैला पाओगे तुम दुनिया में अंधेरा। शक्तिमान, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। शक्तिमान का इस दुनिया में आना ही चुनौती है तुम जैसे पापियों के लिए। शक्तिमान, शक्तिमान, अपनी जिस ताकत पे तुम्हें गुरूर था वो सच के एक ही वार से खत्म हो गई। तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है शक्तिमान। ये मत समझना कि काराडोंगा का रहस्य खत्म हो गया। ये गलती तुम्हारे बाप रंजीत सिंह ने भी की थी। वो नाकामयाब रहा और अब तुम भी नाकामयाब रहोगे। मैं जा रही हूं, फिर मिलूंगी। उसने भी रंजीत सिंह को मेरा पिता कहा तो क्या सचमुच रंजीत सिंह मेरा पिता था? इसका मतलब है कि यहां किसी इंसान का बसेरा है। काफी पुरानी लगती है।
मेजर साहब, मेजर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने मिशन में नाकामयाब हो गया। आप मेरा कोर्ट मार्शल कर दीजिए। आपको मुझे देखकर गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? गलतफहमी नहीं, हकीकत है, हकीकत। कारा डूंगा। यहाँ पर आने वाला हर आदमी मर जाता है, हर पत्थर में आग छुपी है। चुप जाओ, वो आकर मार डालेंगे हमें, चुप जाओ, जल्दी, चुप जाओ। शायद यही हैं कासिम जिनके पास रंजीत सिंह के रहस्यों वाली डायरी है, लेकिन ये अब तक यहां क्यों हैं? और इनकी दिमागी हालत बिगड़ कैसे गई? पहले इन्हें ठीक करना होगा मुझे। कासिम, कासिम ही हो ना? आप शायद ये सोच रहे हैं कि मेरी शक्ल आपके मेजर रंजीत सिंह से मिलती है। सिर्फ शक्ल ही नहीं, सब कुछ। वही कदकाठी, वही आवाज, वही मुस्कुराहट, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन नहीं, आप मेजर साहब नहीं हो सकते, वो तो मेरी उम्र के थे। आप शायद मेजर साहब के बेटे हो ना? मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझ रहे हैं। तो फिर आप कौन हैं? शक्तिमान। दुनिया वाले मुझे इसी नाम से जानते हैं, और मेरे पिता का नाम रंजीत सिंह नहीं है, उनका नाम पंडित विद्याधर शास्त्री था। नामुमकिन। इसे बजाओगे? जी हाँ, एक बार बजाओ ना। हाँ, बिल्कुल वही। आप जानते हैं ये मातारण किसका है? किसका है? मेजर साहब का। और ये धुन भी बिल्कुल वही है जिसे अक्सर मेजर साहब बजाया करते थे। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अब बोलो, अगर आप मेजर साहब के बेटे नहीं हो तो कैसे पता चला इस धुन का? बता सकते हो? बताओ, कहां से सीखी ये धुन? किससे सीखी ये धुन? किसी से नहीं, बल्कि आज से पहले तो मैंने माउथोकन को छुआ तक नहीं। पता नहीं क्यों इसको देखकर मेरी इच्छा हुई कि मैं इसे बजाऊं। तो फिर आपने वही धुन क्यों बजाई जो मेजर साहब बजाया करते थे? ये एक महज इत्तफाक भी तो हो सकता है। नहीं, ये महज इत्तफाक नहीं है। ये धुन पहले आपने कभी सुनी थी? नहीं। फिर यही धुन आपके दिमाग में क्यों आई? हाँ, मेरे दिमाग में ये धुन कैसे आई पता नहीं। मैंने कहा ना, ये धुन मुझसे अपने आप बच गई।
अपने आप नहीं बेटे, ये मेजर साहब के खून का असर है। मेरी बात मानो, आप यकीनन उनके बेटे हो। मैं कैसे मान जाऊं? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे पिता का नाम पंडित विद्याधर शास्त्री था। था? मतलब अब नहीं है? नहीं, मेरे जन्म से कुछ दिन पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। यानी आपने उन्हें देखा नहीं? मैंने उनकी तस्वीर देखी है। तो आपको मेजर साहब की तस्वीर दिखाता हूँ। हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने अपना नाम बदल लिया हो, लेकिन शक्ल नहीं बदल सकती। रुको, मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये है उनका फोटो, साथ में उनकी पत्नी और बाकी हम जवान, और ये मेरा फोटो है। पहचान गए ना? यही आपके माता पिता है ना? नहीं, अपने पिता की जो तस्वीर मैंने देखी थी, ये शक्ल वो नहीं है, और ये भी मेरी माँ नहीं है। अजीब इत्तेफाक है। वाकई इत्तेफाक है, इनकी शक्ल मुझसे हूबहू मिलती है। सिर्फ शक्ल ही नहीं, गुण भी। मैंने भी वही धुन बजाई जो ये बजाया करते थे। तो क्या ये सचमुच मेरे पिता है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? किस सोच में डूब गए बेटे? अब तो तुम्हारा दिल मान रहा है ना कि तुम रंजीत सिंह के बेटे हो। लेकिन ये मेरे पिता की तस्वीर नहीं है। हालांकि रंजीत सिंह को जानने वाला हर शख्स मुझे उनका बेटा ही समझता है, और शायद अगर मैंने भी अपने पिता की तस्वीर नहीं देखी होती तो मैं भी रंजीत सिंह को ही अपना पिता समझता। इसीलिए शायद प्रोफेसर विश्वास ने भी मुझे उनका ही बेटा समझा। प्रोफेसर विश्वास, आप उन्हें कैसे जानते हो? उनकी बेटी मेरी दोस्त है। जब पहली बार प्रोफेसर विश्वास ने मुझे देखा, शक्तियों के स्वामी शक्तिमान? लोग मुझे शक्तिमान ही कहते हैं। लेकिन तुम्हें शक्ल क्यों? क्या हुआ इनकी शक्ल को? इसकी शक्ल बहुत जानी पहचानी से लगती है। हालांकि मैं इसे कभी मिला नहीं, लेकिन लगता है कि बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं इसे। जी, आप शक्तिमान को जानते हैं? नहीं नहीं, मैं शक्तिमान को नहीं जानता, मगर मैं इस शक्ल को बहुत अच्छी तरह से। हाँ, याद आया, इसकी शक्ल मेरे दोस्त रंजीत सिंह से हूबहू मिलती है। बल्कि बिल्कुल रंजीत सिंह लगता है। रंजीत सिंह? हाँ, मेरा बहुत प्यारा दोस्त था रंजीत सिंह। आज तुम्हें देखकर उसकी याद ताजा हो गई। आपका दोस्त? लेकिन पापा, मैं आपके ऐसे किसी दोस्त को नहीं जानती। हाँ, क्योंकि जब मेरी उसकी मुलाकात हुई थी तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। जिंदगी के एक मोड़ पर अचानक उससे मुलाकात हो गई थी, फिर अचानक वो मुझसे बिछड़ भी गया। तब से लेकर आज तक मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त रंजीत सिंह मुझे वापस मिल गया है। कहीं तुम रंजीत सिंह के बेटे तो नहीं? तुम्हारे पिता का नाम रंजीत सिंह है ना? और इससे पहले कि मैं प्रोफेसर विश्वास से रंजीत सिंह के बारे में और कुछ जान पाता, एक हादसे में उनकी मौत हो गई। ओह, प्रोफेसर विश्वास के घर में मुझे रंजीत सिंह की एक डायरी मिली। उस डायरी से मुझे एक बात मालूम पड़ी कि एक और डायरी थी, और वो डायरी उन्होंने कासिम को दी थी। क्या आपके पास कोई और डायरी है? हाँ, मेजर साहब ने मुझे एक डायरी दी थी प्रोफेसर विश्वास तक पहुंचाने के लिए, लेकिन यहाँ फैले दैत्यों की वजह से मैं बाहर नहीं पहुंच सका, और उनसे बचते हुए मेरी ये क्या हालत हो गई ये तो आप देख ही रहे हो। लेकिन मैंने डायरी को बहुत ही हिफाजत से रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये
ये देखो। मेजर रंजीत सिंह। मेरे प्यारे मित्र प्रोफेसर ज्ञानेश विश्वास, उम्मीद है तुम्हारी टांगें अब बेहतर हालत में होंगी। ये डायरी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। तुम्हारे जाने के बाद जिस तरह के हैरत अंगेज और विलक्षण अनुभव मुझे हुए हैं, उनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। हो सकता है इस दौरान रहस्य को जानते हुए मेरी मौत हो जाए, इसलिए अपने सारे अनुभव डायरी में लिखते जा रहा हूं, ताकि अगर मेरी मौत हो तो मेरी मौत के साथ साथ वो रहस्य भी दफन न हो जाए जिन्हें मैंने जाना है। मैंने अपने साथी कासिम को कह रखा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो इस डायरी को सही सलामत तुम तक पहुंचा दें। तुम्हें सब कुछ शुरू से बताता हूं। मुझे अपनी फौज के साथ काराडुंगा में रहते हुए काफी दिन हो गए थे, और उस दैत्य के खात्मे के बाद यहां कोई रहस्य भी हम नहीं जान सके थे। लंबे समय तक यहां रहते रहते मेरे साथी उकताने लगे थे। चूंकि वो मुझसे सीधे कहते हुए डरते थे, इसीलिए उन्होंने सूबेदार कासिम को मुझसे बात करने को कहा। ये तुम क्या कह रहे हो कासिम? ये कैसे हो सकता है? सर, हमारे जवान सचमुच यहाँ रहते रहते बहुत थक चुके हैं। जो जवान होते हैं वो कभी नहीं थकते सूबेदार कासिम। ये बात हर जवान तक पहुँचा दी जाए। जी सर। वैसे हम समझते हैं कि उन्हें यहाँ रहते रहते बोरियत महसूस होने लगी होगी, मगर उन्हें समझना चाहिए कि हम यहाँ किसी मकसद के लिए आए हैं, और मकसद को पाने के लिए हमें यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, मैं जवानों को समझा दूंगा। गुड। कासिम की बात को तो मैंने ठुकरा दिया, लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना घट गई जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। उस रात मैं अपने टेंट के बाहर एकांत में बैठकर माउथोगन बजा रहा था। कौशल्या, कैसे हुआ ये? कैसे गिर गई आप? वो मैं चलते हुए संदूक से टकरा गई। ये संदूक यहाँ कैसे आया? मैंने ही रखा था, कुछ सामान निकाल रही थी फिर भूल गई। ओ कौशल्या जी, आप क्या करती हैं? आप खुद एक डॉक्टर हैं, आपको पता है कि माँ बनते वक्त औरत का इस तरह से गिरना अच्छा नहीं होता। मुझे पता है मेजर साहब, मुझे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी चोट लगी है बस। मगर चोट ज्यादा भी तो लग सकती थी। मगर लगी तो नहीं ना, खामखा क्यों परेशान होते हो? खतरे की कोई बात नहीं है। एक बात कहें हम? क्या? कुछ दिन के बाद आप मां बनने वाली हैं। आप भी तो पिता बनोगे। लेकिन बच्चे के जन्म से पहले सावधानी बरतने की जरूरत बच्चे की मां को होती है, बच्चे के पिता को नहीं। इसलिए हम सोचते हैं कि आपका यहां रहना ठीक नहीं, और फिर हमारे यहां पर आपकी देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने मायके चले जाइए। ये मुझसे नहीं होगा, ऐसा मत कहो, मैं यही रहूंगी। बच्चों की तरफ बातें मत करो कौशल्या, ये फौज का कैंप है, ये जगह लड़ने मरने की होती है, किसी के जन्म के लिए नहीं होती। नहीं, मैं बच्चे को जन्म यही दूंगी, ताकि वो बड़ा होकर आपकी तरह शूरवीर फौजी बने। हम भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी ज्यादा दिलेर और बुद्धिमान हो।
दरअसल हर बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा उससे भी बढ़कर, और उसी बच्चे की भलाई के लिए हम आपसे ये कहते हैं कौशल्या जी कि आप यहाँ मत रहिए, आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर आप भी मेरे साथ चलिए। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नामुमकिन है। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम यहाँ से काराडुंगा का रहस्य जाने बगैर नहीं जा सकते। तो फिर मेरी बात भी आप अच्छी तरह सुन लीजिए। आपसे दूर रहकर मैं बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। कौशल्या जी। जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि बच्चे के जन्म के समय आप मेरे साथ हो। आपको मेरे साथ रहना होगा मेजर साहब। आप सुन रहे हैं ना? या तो आप भी मेरे साथ यहाँ से चलिए, या फिर आइंदा मुझसे यहाँ से अकेले जाने को मत कहिएगा। ओके ओके ओके, अब आप सो जाइए। चलिए सो जाइए, टेक रेस्ट। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। ओके ठीक। कौशल्या की बात ने मुझे विचलित कर दिया था। मैं बेचैनी से कैंप के बाहर कुछ दूरी पर टहलने लगा। मैं कौशल्या की जिद को अच्छी तरह जानता हूं। एक बार जो सोच लेती है वही करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अकेली यहां से कभी नहीं जाएगी, और काराडुंगा के रहस्य को जानने के लिए मेरा यहां रुकना जरूरी है। लेकिन यहां रहना कौशल्या और मेरे होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैं चौंका। मेरे सामने थोड़ी दूरी पर धुएं के गुबार के साथ आलोक फैल रहा। उस आलोक में से एक आकृति निकलकर बाहर आई। वो कोई महापुरुष लग रहा था। उसने गेरुए वस्त्र धारण किए हुए थे। उसके चेहरे पर अप्रतिम तेज था। दूध के जैसी सफेद दाढ़ी थी। माथे पर सूर्य का तिलक था। चेहरे पर अप्रतिम तेज, दूध की जैसी सफेद दाढ़ी, माथे पर सूर्य का तिलक। इसे सुनकर तो मस्तिष्क में महागुरु की छवि उभरती है। तो क्या महागुरु स्वयं रंजीत सिंह से मिलने आए थे? क्या हुआ? पढ़ते पढ़ते क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, ये डायरी है ही ऐसी, इसे जो भी पढ़ेगा सोच में पड़ जाएगा। लेकिन इसमें जो भी लिखा है वो सब हकीकत है। वो सब घट चुका है मेजर साहब के साथ। वो महापुरुष एकटक मुझे देख रहे थे। कौन है आप? सत्य का रक्षक समझ सकते हो मुझे। सत्य की रक्षा के लिए ही आज मैं तुम्हारे पास आया हूं। सत्य की रक्षा? हाँ, तुम उस निशान को लेकर चिंतित हो जो इस दैत्य के वध के पश्चात तुम्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन आपको ये कैसे मालूम? क्योंकि वो सत्य के प्रतिद्वंदी पाप का निशान है। लेकिन ये निशान तो 6000 वर्ष पुराना है। ये लोग भी उतने ही प्राचीन हैं जो इस संसार में पाप को फैला रहे हैं। ये लोग अलग अलग रूप बनाकर इस संसार में घूमकर पाप को बढ़ाती हैं। कभी कभी पारदर्शी बनकर वातावरण को कलुषित बनाते हैं, परंतु सत्य का प्रहार होते ही ये लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। उसी प्रकार वो पारदर्शी दैत्य भी तुम्हारे प्रहार के पश्चात अपने असली रूप में आ गया। तो आपका मतलब सारे संसार में पाप फैलाने वाले यही काराडुंगा में मौजूद हैं?
केवल यही नहीं बल्कि इस संसार के बहुत से स्थानों पर उनका निवास है। उनमें से एक ये है और यहां का रहस्य तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात होने वाला है। तुम्हें सारे संसार के सामने इस रहस्य को खोलना होगा, इससे सत्य की रक्षा होगी। परंतु इसके लिए तुम्हारा यहां रुकना आवश्यक है, अतएव तुम यहां से लौटने का निश्चय त्याग दो। आपको यह भी मालूम है कि हम यहां से लौटने की सोच रहे हैं? हाँ, सत्य की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं रहता। तब तो आपको यह भी मालूम होगा कि हम यहां से जाने की क्यों सोच रहे हैं। तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो अपनी धर्मपत्नी और होने वाली संतान के लिए। धीरज रखो, सदैव वही होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है। तुम्हारी संतान का जन्म संकटों के बीच ही होगा, यही ईश्वर की इच्छा है। लेकिन क्यों? क्योंकि असाधारण लोगों का जन्म साधारण ढंग से कभी नहीं होता और तुम्हारी होने वाली संतान असाधारण होगी। असाधारण? तुम्हारी संतान भविष्य में सत्य का योद्धा बनेगी और इस संसार में फैले हुए पाप का प्रतिकार करेगी। पहले रंजीत सिंह की शक्ल का मुझसे मिलना, फिर महागुरु का रंजीत सिंह के पास आना और ये संतान। कहीं मैं तो नहीं वही संतान? उस महापुरुष की आंखों में सत्य का आलोक था, उसकी कही हर बात मुझे सत्य प्रतीत हो रही थी। तभी उन्होंने ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर मैं दंग रह गया। तुम जिनका रहस्य जानने यहां आए हो वो एक असाधारण शक्ति के स्वामी है। उनकी शक्ति के सामने तुम्हारी शक्ति क्षीण है, अतएव मैं तुम्हें कुछ देता हूं। ये ले लो। सत्य के इस युद्ध में ये तुम्हारी रक्षा करेगी, इसको कभी अपने से अलग मत होने देना। महागुरु ने मुझे उनके बारे में कभी बताया नहीं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ? कुछ नहीं। के सारे अक्षर मिटे हुए हैं और बाकी के बचे पन्नों को दीमक चढ़ चुके हैं। बरसों शायद एक ही जगह पड़ी थी, इसी वजह से मैंने भी इसे अरसे से शायद लगभग 10-12 सालों से उलट पुलट कर नहीं देखा था। अब आप घबराइए मत, मुझे सब पता है। मैंने इसे कई बार पढ़ा है और उस वक्त तो मैं खुद मेजर साहब के साथ ही था, मुझे सब याद है। मैं बताता हूं, यह आपने कहां तक पढ़ी थी? रंजीत सिंह को महापुरुष आकर दिव्य तलवार देते हैं और काराडूंगा से वापस जाने को मना करते हैं। हाँ, उसके बाद तो जैसे एक नया उत्साह आ गया था मेजर साहब में,
रहस्य की तलाश में वो दिन रात एक करने लगे। अक्सर मुझे और नायब सूबेदार विशंबर को कभी भी अपने साथ लेकर निकल पड़ते थे काराडुंगा के जंगलों में। एक दिन यूं ही जंगलों में रहस्य की तलाश करते करते हम काफी दूर निकल गए। बने हुए पांव के निशान को देखकर चौंक पड़ा। मैंने तुरंत मेजर साहब को आवाज दी। मेजर साहब यहां आइए, ये देखिए। पांव का इतना बड़ा निशान, ये निशान किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। लेकिन मेजर साहब, यह है किसी इंसान के ही पांव। इंसान के रूप में शैतान भी तो हो सकता है कासिम मियां। जी, ये निशान अभी सूखे नहीं। और ये उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब है वो भारी भरकम शख्स आसपास ही कहीं होगा। हमें उसे ढूंढना चाहिए, मगर सावधानी से। आओ मेरे साथ। पर आकर कहां चला गया वो? अगर यहां से लौटा है तो फिर उसके लौटने के निशान जरूर होंगे। देखो कहीं। लेकिन लौटने के निशान तो कहीं नहीं मेजर साहब। अगर ऐसा है तो फिर वो यहां तक आया तो जरूर है, मगर यहां से वापस लौटा नहीं है। सर, अगर लौटा नहीं तो कहां गया? क्या उसे चट्टान निकल गई? हो सकता है चट्टान उसे निकल गई हो। क्या उसे चट्टान कैसे निकल सकती है मेजर साहब? यहां कुछ भी हो सकता है विशंभर, ये मत भूलो कि ये कारा डूंगा है। यहां कुछ भी हो सकता है। जरूर इस चट्टान में कोई गुप्त दरवाजा है। गुप्त दरवाजा? हाँ, पुराने जमाने के राजे महाराजे ऐसे दरवाजों का इस्तेमाल किया करते थे, जो बाहर से दिखने में तो किसी चट्टान या दीवार के समान ही दिखता था, मगर किसी खूंटे या लीवर के दबाते ही वो दरवाजे की तरह खुल जाता था। यहां भी कोई दरवाजा होगा और कोई ना कोई खूंटा आसपास जरूर होगा। जाओ तलाश करो। मेजर साहब,
मुझे नहीं लगता यहाँ कोई ऐसा दरवाजा है। दरवाजा नहीं है? जल्दी छिपो मियाँ, दरवाजा खुल रहा है। आओ मेरे साथ। इसके पैरों के निशान थे वो। दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूं, तुम दोनों यहीं रहना। जी सर। चारों तरफ निगरानी रखना। इसी पत्थर को घुमाया था उसने।
गोलियों का असर नहीं हो रहा है। विशंबर, इससे पहले कोई नई मुसीबत आन पड़े हमें दरवाजा खोलकर गुफा में घुस जाना चाहिए। लेकिन अंदर कौन कौन सी मुसीबतें उठानी पड़ेंगी मेजर साहब? कासिम का क्या होगा? हम यहाँ मुसीबतों के रहस्य जानने आए हैं विशंबर। रही बात कासिम की तो हम उसे लौटते वक्त अपने साथ में ले जाएंगे। जाओ चट्टान के पीछे छिपा दो उसे, क्विक। यस सर। Come on, quick. We don't have time. Come on. होता है जब आदमी को अपना ज्ञान।